आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तथा मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। तो बहनों, आज हम बात करेंगे लाडली बहना सेना के बारे में। आपने लाडली बहना योजना देखा है, लाडली लक्ष्मी योजना देखा है, लेकिन लाडली बहना सेना का जो है कि गठन कैसे हुआ है, आंगनबाड़ी बहनों तथा महिला हितग्राहियों और बालिकाओं का इसमें क्या उपयोग है या उनके द्वारा क्या इसमें एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि योगदान दिया जाएगा, उस चीज़ के बारे में हम आगे यहाँ पे देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके मानदेय से जुड़ी भी कई खबरें हैं। तो बहनों, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें अगर, तो आप देख सकती हैं यहाँ पे कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु राज्य शासन के द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 प्रारंभ की गई है। महिलाओं के कल्याण हेतु संचालित शासन की समस्त योजनाओं से बेहतर क्रियान्वयन और कार्य पर निगरानी रखने हेतु योजना के अंतर्गत लाभान्वित महिलाओं को सम्मिलित करते हुए 23 से, जी हाँ बहनों, 23 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं को लाडली बहना सेना या लाडली बहना सेना का गठन किया गया है। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य है, तो आप देख सकते हैं कि एक प्रकार से अगर हम शॉर्टकट में बोलें तो महिलाओं बालिकाओं का जो है कि समाज में जो उनका अधिकार है, उनकी सोच है, उसको सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, बेहतर बनाए रखने के लिए, जो विकास है उसकी सोच को अच्छा बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि महिलाएं अपनी मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों, इनका उपयोग करने में सक्षम हों। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पोषण है, रोजगार है, सामाजिक सुरक्षा है आदि की क्षेत्र में महिलाएं बालिकाएं अपनी समान पहुंच बना सकें। महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति समाज की सोच के बदलाव, कुप्रथा, लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना इत्यादि इस चीज़ का मुख्य उद्देश्य है। महिलाओं के मुद्दों को समाज के समक्ष दृढ़ता से प्रस्तुत करना, सामाजिक विकास में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ावा देना। अब देख सकते हैं बहनों की लाडली बहना सेना या उसका स्वरूप या उसका गठन का क्या कैसे प्रोसेस है। तो आंगनबाड़ी बहनें किस प्रकार से इसमें हितग्राही महिलाओं या बालिकाओं को ज्वाइनिंग करा सकती हैं, उनका फॉर्म भरा जाता है या क्या कैसे, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो देखिए, ग्राम या वार्ड स्तर पर एक लाडली बहना सेना होगी। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी ग्राम या वार्ड स्तर पर एक लाडली बहना सेना होगी जिसमें ग्राम की इच्छुक, मतलब जिन जो इच्छुक हों उस चीज़ में भर्ती होने के लिए, तो ग्राम की इच्छुक 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं उसकी सदस्य होंगी। मतलब हर एक वार्ड में या हर एक गांव में एक लाडली बहना की सेना होगी जिसमें 23 से 60 वर्ष की महिलाएं या बालिकाएं होंगी। प्रदेश के प्रत्येक ग्राम जिसकी आबादी 1500 से कम है में 11 सदस्यीय एवं ऐसे ग्राम जिनकी आबादी 1500 से अधिक है उनमें 21 सदस्यीय लाडली बहना योजना का गठन होगा। लाडली बहना सेना के कुल सदस्य में कम से कम 50% सदस्य मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लाभान्वित सदस्य होंगे। जी हाँ, जितनी भी मतलब सदस्य के लोग, अगर 11 या 21 लोग किसी भी एक वार्ड से 23 से 60 वर्ष तक की महिलाओं के द्वारा गठन किया जाता है एक लाडली बहना सेना का, तो उसमें कम से कम 50% मतलब आधी जो मतलब सेना होगी वो मुख्यमंत्री लाडली बहना से लाभान्वित वाले ही होंगे, हितग्राही जिनके खाते में पैसा आता रहता है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं बहनों, आप देख सकते हैं कि प्रत्येक लाडली बहना सेना में सर्वसम्मति से लाडली बहना सेना प्रभारी एवं लाडली बहना सेना सह प्रभारी मनोनीत किया जाएगा, जो एक वर्ष तक प्रभारी एवं सह प्रभारी के दायित्व का निर्वहन करेंगे। उसके पश्चात लाडली बहना सेना के ही अन्य सदस्य प्रभारी एवं सह प्रभारी के रूप में मनोनीत होंगे। प्रभारी एवं सह प्रभारी में स्वप्रेरणा, स्वविवेक, स्वेच्छा, उत्साह से कार्य करने एवं नेतृत्व का गुण होना चाहिए। अब देख सकते हैं आंगनबाड़ी का रोल इसमें क्या है। सेक्टर पर्यवेक्षक मतलब कि सुपरवाइजर, महिला एवं बाल विकास एवं
उसके द्वारा ग्राम के सक्रिय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लाडली बहना सेना के समन्वयक के रूप में मनोनीत किया जाएगा। समन्वयक जो होगा न केवल लाडली बहना सेना को सदस्यता प्राप्त करने के लिए क्या है कि 23 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर अपना नाम पंजीकृत कराएंगे। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन भी उनका किया जाएगा। जो 23 से 60 वर्ष तक की महिलाएं हैं जिनके द्वारा लाडली बहना सेना में जाने के लिए इच्छुक हैं, उनका आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा पंजीकृत होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाडली बहना सेना के सदस्य बनने की इच्छुक महिलाओं को पंजीकृत करेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पंजीकृत महिलाओं की सूची सेक्टर पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर को उपलब्ध कराएंगी। सेक्टर पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर के अंतर्गत आने वाले समस्त केंद्रों पर गठित लाडली बहना सेना की जो सूची है, समन्वयक के रूप में संबंधित ग्राम की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम, परियोजना अधिकारी प्राप्त सूची अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रवार लाडली बहना सेना के गठन संबंधी आदेश को जारी करेंगी। फिर लाडली बहना सेना के जो सदस्य हैं, लिखित में कारण सहित जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को देकर अपनी सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि लाडली बहना सेना के सदस्य में कुछ बहनें हैं या महिलाएं हैं, किसी भी कारणवश या कोई भी काम पड़ने पर अगर उनको बाहर जाना पड़ता है या फिर उनको सदस्यता अपनी रद्द करवानी हो, तो कारण सहित लिख कर वह अपनी सदस्यता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दे सकती हैं और अपनी सदस्यता को समाप्त कर भी सकती हैं। कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं रहेगी कि आपको रहना ही है। ऐसे किसी भी रिक्त स्थान की पूर्ति लाडली बहना सेना प्रभारी एवं अन्य सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से की जाएगी। इसकी सूचना सेक्टर पर्यवेक्षक को दे दी जाएगी। परियोजना अधिकारी लाडली बहना सेना में किए गए परिवर्तन को अद्यतन करेंगे। तो बहनों, आप अच्छे से इस बार जान गई हैं कि लाडली बहना सेना जो चालू कराया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो इसमें किस प्रकार से गठन होगा, इसका क्या उद्देश्य है, क्या रोल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का है, क्या रोल इसमें पर्यवेक्षक का है। तो बहनों, इसी के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए बहनों आपका मानदेय कितना है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।